तो जो भगवान के मार्ग में चलता है वही पहुंचता है। चलेंगे ही जीवन को पशुवत जीवन यापन कर रहे हैं, बिना संकल्प के जी रहे हैं। संकल्प लीजिए, जीवन में आपके संकल्प होगा तो दृढ़ता आएगी, दृढ़ता आएगी। और अगर आप दृढ़ता आपके अंदर है, संकल्प आपके अंदर है और वो संकल्प सत संकल्प है, तो मैं सच बताता हूं इस संसार के कितने बड़े से बड़े कार्य को आप अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि धर्म के साथ स्वयं भगवान रहते हैं। धर्म के साथ भगवान रहते हैं, इसलिए कोई भी धर्म का कार्य हो, धार्मिक आयोजन हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, भगवत मार्ग के यदि आप पथिक हैं तो कभी डरना मत, कभी डरना मत। अगर कभी धर्म का अनुष्ठान करने करवाने जा रहे हैं तो कभी मत डरना, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, धर्म के प्रचार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ भगवान खड़े हैं। भगवान रविन्द्रनाथ टैगोर की बोले से, डाक सुने यदि केव ना से एकला चलो, डाक सुने यदि केव ना से एकला चलो रे। धर्म के मार्ग में प्रायः दो चार लोग ही चलते हैं, लेकिन चलने के बाद जब पीछे मुड़ करके देखेंगे पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा दुनिया आपके पीछे चलेगी, दिखाई देगी। चलते समय कठिनाई होती है, जब हम चलना प्रारंभ करते हैं इस मार्ग पे तो बहुत कठिनाई होती है, इतनी बाधा आती है, इतना दिक्कतें आती हैं कि हम करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं, बहुत सारा विकल्प संकल्प मन में चलता रहता है। लेकिन मैं बार बार मंचों से कहता हूं, कभी घबराना मत, कभी घबराना मत। अगर कष्ट सह कर अगर आप चल लिए तो पूरा गांव मोहल्ला सब आपके पीछे रहे। जानते एक कथा मैं आपको सुनाऊं, ईंट जानते हैं ईंट, अभी मनोज जी का एक पीछे ईंट का भट्ठा था उधर, जहां ईंट पकता है, ईंट बनाया है, किसका ईंट बनता है, मिट्टी का, मिट्टी का ईंट बनता है गर्मियों के समय में, बारिश में नहीं बनता। तो एक ईंट को बना करके रखा गया था, और जब वो आदमी लोग ईंट कच्चे ईंट को जो पका नहीं था कच्चे ईंट को उठाने लगे तो ईंट लगा रोने, बोला आप हमको भट्टी में मत डालो, अगर आप हमको भट्टी में डाल दोगे तो मुझे बहुत पीड़ा होगी, वहां बहुत गर्मी है, बहुत तपना पड़ेगा, हम भट्टी में नहीं जाना चाहते, वहां मत ले जाओ हमको। बहुत रोने लगा, बहुत चिल्लाने लगा वो जो मिट्टी का ईंट, बहुत चिल्लाने लगा, बोला हमको मत ले जाओ। तो जो ले जाने वाला आदमी था वो बोला, सुनो अगर आज थोड़ा सा अगर कष्ट सह लिए, थोड़ा सा तप लिए, थोड़ा सा दुख सहन कर लिए, तो कल तुम पकने के बाद किसी बहुत सुंदर हवेली के एक पार्ट बनोगे, बहुत सुंदर एक हवेली में चुने जाओगे और आनंद से न जाने कितने वर्षों तक तुम सुरक्षित पड़े रहोगे, सुरक्षित हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अगर आज तपने से भाग गए, दुख सहने से भाग गए, तो आषाढ़ महीने में बारिश होगी और तुम गल करके इसी मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हारी कोई भी स्थिति नहीं होगी, किसी लायक नहीं रह पाओगे, पुनः मिट्टी बन जाओगे, पुनः मिट्टी बन जाओगे। इसलिए
तपना पड़ता है। तपिए, अपने आप को तपाइए, अपने आप को थोड़ा कष्ट दीजिए। ये बात कभी मत बोलिए ना, हम तो निजे मन के हमें दुख दीते पार बार। यदि अपनार में छेले, यदि गलत रास्ता ही चले जाए तो की और मन कोर से गलत रास्ता ही जेते कि अपनी ओके रोपे ना और मन के कहनो अपनी दुख दे बे बोले दे ठीक है तुम्हार यदि मन कोर से तो तुम चले जाओ 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 तुम्हारी इच्छा करो। ओ खाने तो अपनारा बोलछे ना ना एक गुली करते होबे ना ओके हाथ दिए डंडा दिए पिटाई कर सकते हो। ओ खाने वो अपनी एक कखनो बुझे छे कि और मने दुख होबे और जा मन कर से करते दा। यदि मन के लिए चला जाए ई मन तुमा के खाई मध्ये लिए जावे एई रकम लिए गेले ढुकावे अपना के अपनी किछु करते पारे जीवन है जीवन टा नष्ट हो जाए। जीवन में कभी भी ये नहीं सोचना कि हमको कष्ट नहीं मिलेगा, मन को रोकना पड़ेगा, उसको सही मार्ग पर ले जाना पड़ेगा। मन को सही मार्ग पर ले जाना मन को दुख देना नहीं है, दुख देना नहीं है। मन को सही मार्ग पर ले जाना दुख देना नहीं है, मन को सही मार्ग पर ले जाना उसके लक्ष्य की प्राप्ति है। मन को हमें बताना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। मन को दृढ़ बनाने के लिए, मन में संकल्प पैदा करने के लिए आपको नीति निपुण होना पड़ेगा।